नमस्कार मित्रों, आज हम बीए भागद्वितीय के अनुसूची पे आगे चर्चा करेंगे। कल मैंने आपको बताया था अनुसूची क्या है, अनुसूची की परिभाषा, अर्थ के बारे में, विशेषताओं के बारे में आपसे चर्चा की थी। आज मैं आपको अनुसूची के प्रकार बताऊंगा। अनुसूची के मुख्य मुख्य प्रकार निम्न प्रकार से हैं। पहला, अवलोकन अनुसूची, ऑब्जर्वेशन शेड्यूल। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग अनुसंधानकर्ता अपने अवलोकन को लिखने के लिए करता है। इसमें वह सूचनादाता से प्रश्न नहीं पूछता, वरन घटनाओं का अवलोकन कर स्वयं ही प्रश्नों के उत्तरों को भर देता है। दूसरी है मूल्यांकन अनुसूची, रेटिंग शेड्यूल। इस प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किसी विषय के बारे में लोगों की अभिवृत्ति, रुचि, राय, विश्वास तथा अनुमति आदि के सांख्यिकीय मापन हेतु किया जाता है। तीसरी है प्रलेख अनुसूची, डॉक्यूमेंट शेड्यूल। इस प्रकार की अनुसूचियों का उपयोग लिखित प्रलेखों जैसे आत्मकथा, डायरी, सरकारी तथा गैर सरकारी दस्तावेज आदि से प्रश्नों का उत्तर प्राप्त करने के लिए किया जाता है। चौथी है संस्था सर्वेक्षण अनुसूची, इंस्टीट्यूशन सर्वे शेड्यूल। इसके द्वारा किसी संस्था के किसी विशेष पक्ष, उनकी आंतरिक एवं बाह्य समस्याओं तथा कार्यकलापों का अध्ययन किया जाता है। जनगणना के लिए इसी प्रकार की अनुसूची का प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार की अनुसूचियों में पंचायतों, सहकारी समितियों, शिक्षण संस्थाओं, जेलों आदि की कार्य प्रणालियों का अध्ययन सरलता से किया जा सकता है। पांचवी है साक्षात्कार अनुसूची। ये इम्पोर्टेंट है आपके परीक्षा की दृष्टि से, इस पे छोटा क्वेश्चन भी आता है। इंटरव्यू शेड्यूल। इस प्रकार की अनुसूची में सूचनाएं प्रत्यक्ष साक्षात्कार के द्वारा एकत्रित की जाती है। इसमें निश्चित प्रश्न अथवा खाली सारणी दी हुई होती है, जिन्हें साक्षात्कारकर्ता या अनुसंधानकर्ता सूचनादाता से पूछकर भरता है। इसके द्वारा साक्षात्कार को व्यवस्थित एवं क्रमबद्ध किया जाता है। इसमें प्राप्त सूचनाओं का वर्गीकरण एवं सारणीयन होता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये जो आपकी अनुसूची की जो प्रविधि है, इसके गुण क्या हैं, इसके दोष क्या हैं। अगर हम इसके प्रमुख गुणों की, मेरिट्स की अगर चर्चा करें, तो इसके निम्न गुण हैं। पहला इसमें गुण है कि इसके द्वारा विश्वसनीय एवं प्रमाणिक सूचनाएं प्राप्त होती है। दूसरा, व्यक्तिगत संपर्क के कारण इसमें अनुसंधानकर्ता सूचनादाता को सूचना देने के लिए प्रेरित करता है। तीसरी बात है, इसमें प्राप्त सूचनाओं का सत्यापन हो जाता है। चौथी महत्वपूर्ण बात है कि कई घटनाओं का अवलोकन द्वारा भी सत्यापन हो जाता है। नेक्स्ट है, इसके द्वारा अशिक्षित उत्तरदाताओं से भी सूचनाएँ प्राप्त हो जा सकती है। और अंतिम है, इसके द्वारा अध्ययनकर्ता की स्मरण शक्ति की हमें आवश्यकता या उसकी मेमोरी पे हम ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहते, क्योंकि यहाँ प्रश्नों के जवाब वो हाथों हाथ, जैसे उत्तरदाता देता है उसे हाथों हाथ नोट डाउन करता है, स्मरण शक्ति पे निर्भर नहीं रहना पड़ रहा, स्मरण शक्ति पे साक्षात्कार में निर्भर रहता है। अब हम इसकी सीमाएं, दोष या डिमेरिट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। इसकी जो प्रमुख प्रमुख कमियां हैं वो ये है कि इसमें
उत्तरदाता से प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए जाते हैं, अतः उसे विचार विमर्श या सलाह मशवरे का समय ही नहीं मिलता। ऐसी स्थिति में कई बार सूचनाएं यथार्थ, विश्वसनीय एवं प्रमाणिक नहीं हो पाती। अगली महत्वपूर्ण कमी है सूचनाओं को लिखने में अनुसंधानकर्ता का पक्षपात की संभावना रहती है। अगली है अनुसंधानकर्ता सूचनाओं को लिखने एवं प्रश्नों के उत्तरों के निशान लगाने में त्रुटि कर सकता है। और नेक्स्ट है इसके द्वारा सीमित क्षेत्र का ही अध्ययन हो सकता है। अगली बात है कि इसमें समय, श्रम, धन भी बहुत ज़्यादा खर्च होता है। नेक्स्ट है सभी सूचना दाताओं से संपर्क संभव नहीं हो पाता। और अंतिम इसकी जो महत्वपूर्ण कमी है वो यह है कि सर्वगुण संपन्न अनुसूचियों का निर्माण संभव नहीं होता। हम प्रत्येक उत्तरदाता से समस्या के विषय में गहनता से अध्ययन करके ला सकें, ऐसे प्रश्नों का निर्माण करना संभव नहीं है, क्योंकि धर्म, जाति, भाषा, शिक्षा, अभिरुचि, क्षेत्र, बहुत से ऐसे कारक हैं जो कि प्रश्नों को प्रभावित करते हैं। अब कल मैं आपको अनुसूची के निर्माण की प्रक्रिया के विषय में विस्तार से चर्चा करूंगा। धन्यवाद।